गुरुजी, क्या आर्ट ऑफ लिविंग सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए है? गरीब व्यक्ति के लिए योगा प्राणायाम आवश्यक है या परिवार का पालन पोषण? देखो भाई, योग्यता होने पर ही सब आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, और योग प्राणायाम वगैरह योग्यता दिलाने के लिए है। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है या सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, ये सबके लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अमीर भी एक दृष्टिकोण से देखो तो गरीब है, गरीब भी एक अलग दृष्टिकोण से देखो तो अमीर है। जितने गरीबों के पास इतना हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होती है, करुणा होती है, दूसरों के साथ बांटने का मन होता है, वो अमीरों के पास नहीं होता। कई बार अमीर ज़्यादा कंजूसी होते हैं, गरीब से ज़्यादा कंजूसी दिखते हैं। हाँ, यह हमने बहुत बार अनुभव किया। गरीब से गरीब व्यक्ति में इतनी उदारता है जो अमीरों में नहीं है। मैं एक आपको बताऊंगा एक इंसिडेंट। हमारा जो सिल्वर जुबली का बड़ा प्रोग्राम हुआ था, आखिरी दिन मैं ऐसे देखने गया, जो सेवक लोग काम कर रहे थे वहाँ, 25 लाख लोग थे। जैसे मैं गाड़ी चढ़ने लगा, एक आदमी आया, एक लेबर वहाँ, रोता हुआ मेरा पांव पकड़ा और मेरे हाथ में एक लिफाफा तांबी। अक्सर लोग मेरे हाथ में लिफाफा देते हैं तो उसमें अपनी समस्या वमस्या कुछ लिखे हुए होते हैं, मगर ये कुछ मोटा ही था। मैंने कहा ये तो ऐसे तो नहीं लिख दिया इसने, पर हाथ में वो लिया मैंने तो देखा था उसमें 5,000 रुपया पैसे थे, सब 100-100 के नोट। मैंने उससे पूछा तू क्या करता है? हम कुली का काम करते हैं, लेबर काम करते हैं जी, केरला में। आपकी कृपा से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, मैं कैसा था क्या हो गया हूँ अभी, ये मेरा भेंट है। तुमने 15 दिन वहाँ आके उसने काम किया, पूरा ज़मीन को ठीक किया, वहाँ सांप वाफ था, क्या क्या था, फील्ड में काम करने के लिए आया, सेवा किया उसने, साथ में ये भी हमारे हाथ में तबाह। मैंने देखा तुमको कितना मिलता है तनख्वाह, 2,000 रुपया, रो ही रहा है। मैंने कहा उसमें से मैं सिर्फ 100 नोट लिया, 100 रुपया, ये 100 रुपया मेरे लिए बहुत माने रखता है, ये 4,900 रुपया। मैंने कहा ये तुम अपना रख, ये 100 रुपया मेरे लिए काफ़ी है। ये भाव है, देखो ये भाव, उस भाव का है बात। तो ये मत सोचना ये ध्यान योग वगैरह गरीबों के लिए नहीं है। आजकल एक गरीब व्यक्ति भी उतना ही कमाता है जितना एक वाइट कॉलर जॉब वाला एक क्लर्क सिटी में कमाता है, मगर ये ज़्यादा 60% शराब में खर्चा कर देता है, फिर वो गरीबी बना रहता है। तो गरीब लोग जब योग प्राणायाम करेंगे तो सारी बुरी आदतें छूट जाएगी, नंबर वन। एक दूसरी बात क्या है, हिम्मत आएगी अपने भीतर से, स्वावलंबी बने हम, जोश आएगी अपने भीतर, सृजनात्मकता आएगी। भाई ये ज्ञान सबके लिए है, राजा रंग फकीर सबके लिए, समझ रहे ना, सिर्फ राजा के लिए नहीं, सिर्फ रंग के लिए नहीं। समाज में दो धारणा चलती है, शोषित और शोषक। कई बार लोग समझते हैं सारे जो धनी लोग हैं ये शोषक है और गरीब है ये शोषित वर्ग है। हमें ये दोनों मानसिकता से हटना चाहिए। गरीब समझते हैं हम गरीब हैं क्योंकि ये लोग अमीर हैं, इनके वजह से हम गरीब हैं, तो दूसरों को हमेशा वो शोषक समझते हैं। और अमीर लोग इतना गिल्ट महसूस करते हैं ये शोषित समझते हैं, ये तो बिल्कुल दूसरे वर्ग के हैं, जैसे आदमी ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करेंगे, आंखें भी नहीं मिलाएंगे।
इससे हटना चाहिए, मानवता को जगाना पड़ेगा। देखो ये बात विदेशों में इतना नहीं है, भारत में कुछ ज़्यादा ही है। डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको कहते हैं, वो हमारे देश में और लाना पड़ेगा। वो तभी आएगा जब गरीब लोग आत्मविश्वास के साथ, आत्मज्ञान के साथ चलेंगे।